मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के बाजू में बेल आइकन है उसको भी प्लीज़ प्रेस करें ताकि सारी नोटिफिकेशंस मेरे वीडियो की आपको सबसे पहले मिल जाए। हेलो एंड वेलकम टू आमी क्रेजी तड़का। मेरा नाम है अमृता और आज मैं आपके साथ में मेरी न्यू सैमसंग टॉप लोड वॉशिंग मशीन का रिव्यू लेके आई हूँ और रिव्यू के साथ साथ मैं उसका पूरा डेमो दूंगी आपको ताकि आपको समझने में आसानी हो। अगर आप न्यू वॉशिंग मशीन लेने का सोच रहे हो तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब के बाजू में बेल आइकन है उसको भी प्लीज़ प्रेस कर दीजिए ताकि सारी नोटिफिकेशंस मेरे वीडियो की आपको सबसे पहले मिल जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है मेरी सैमसंग की न्यू वॉशिंग मशीन जो 6.5 केजी की है, फुली ऑटोमेटिक टॉप लोड मशीन। और इसका जो मॉडल नंबर है मैं आपको बता देती हूँ, इसका मॉडल नंबर है WA65M43000HATL इसका मॉडल है। तो ये 6.5 केजी की मशीन है, वूबल टेक्नोलॉजी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। तो वूबल टेक्नोलॉजी क्या होती है मैं आपको बता देती हूँ। ये व्हील्स आप देख सकते हो, तो ये व्हील्स आपके कपड़ों को उलझने नहीं देती। आप आमतौर पे मशीन जो नॉर्मल मशीन जब आप यूज़ करते हो तो आपके कपड़े बहुत उलझ से जाते हैं, एक दूसरे में निकालना मुश्किल हो जाता है उसे। तो इसमें कपड़े आपके बिल्कुल उलझेंगे नहीं, एक एक सिंगल सिंगल कपड़े आपके बाहर निकलेंगे तो उसमें बहुत आसानी हो जाती है आपको। और यहाँ पर आप देख सकते हैं डायमंड कट दिया हुआ है, इससे आपके फैब्रिक में कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा, ये फैब्रिक को सेफ रखेगा। इसके कुछ फीचर्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जो 680 RPM है इसका रोटेशन पर मिनट, जितना इसका ज़्यादा RPM होता है उतना ही जितना इसका जो टब है वो स्पिन करता है जितना स्पीड से, तो उतना ही इसका ड्राइंग टाइम कम हो जाता है और अच्छे से ड्राई करता है ये। तो ये फीचर है इसमें। तो आप नंबर ऑफ़ वॉश प्रोग्राम्स आप देख सकते हो, इसमें 6 है। और इसका जो टब मटेरियल है वो स्टेनलेस स्टील का है, मैं आपको दिखा देती हूँ। तो इसका टब आप देख सकते हो बिल्कुल स्टेनलेस स्टील का है और 6.5 केजी के साथ ग्रेट फॉर अ फैमिली ऑफ 4 गाइस। 4 आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं, 3 या 4 होंगे तो ये बेस्ट वॉशिंग मशीन है आपके लिए। इसका कलर आप देख सकते हो सिल्वर ब्लैक, सिल्वर और ब्लैक। तो प्रोडक्ट पे वारंटी आपको 2 साल की मिलेगी और जो मोटर पे है उसमें आपको 10 साल की वारंटी मिलेगी। तो आपको जो भी वारंटी कार्ड मिला होगा इसके साथ तो प्लीज़ उसको संभाल के रखिए, तक क्योंकि इसको आपको 10 साल तक संभाल के रखना है। तो इसके अदर फीचर्स में आपको बॉडी फीचर्स बता देती हूँ। ये जो आपको आप ग्लास देख सकते हो, ये टेम्पर्ड ग्लास है तो इसमें कोई स्क्रैचेस नहीं आएंगे। और इसमें डायमंड ड्रम है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके फैब्रिक को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, आपको आपके जो कपड़े हैं उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। और आप देख सकते हो होल्स इसके बहुत छोटे छोटे हैं तो कोई कपड़े फंसने के चांसेस नहीं है और नुकसान के भी कोई चांसेस नहीं है इसमें। इसमें डिजिटल डिस्प्ले आपको दिया गया है और इसके साथ साथ इसमें मैजिक फिल्टर है और इको टब क्लीन मोड है। आप देख सकते हो इको टब क्लीन अपने आप ये अपने टब को क्लीन कर लेता है मोड सिलेक्ट करने पे, मैं आपको बताऊंगी कैसे। तो मैजिक फिल्टर मैं आपको बता देती हूँ, ये रहा मैजिक फिल्टर, इसको निकालना बहुत ही आसान है। तो मैं इसको निकाल के बता देती हूँ आपको, ये रहा मैजिक फिल्टर, आप देख सकते हो इसमें आपका जो भी डर्ट है वो जमा हो जाएगा। इसको आप आसानी से क्लीन कर सकते हो, आसानी से लगा भी सकते हो इसे। तो देखिए इसे मैं लगा देती हूँ इस तरह से और आपको क्लक आवाज़ आया होगा तो इसका मतलब ये अच्छे से लग चुका है। इसकी विड्थ है 540 mm और इसकी हाइट है 906 mm की और इसका जो डेप्थ है वो 568 mm का है। और वेट बहुत ही इसका हल्का है, इतनी भारी मशीन नहीं है। इट इज़ 30.5 kg, तो उठाना बिल्कुल मुश्किल नहीं है इसे, बहुत ही आसान है। और इस मशीन का कुछ एडिशनल फीचर मैं आपको बता देती हूँ, जिसको बोलते हैं हम एयर टर्बो मोड। वो मोड में क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा फास्ट आपका जो टब है वो घूमता है, स्पिन करता है। और उससे क्या होता है, आपके जो क्लोथ्स होते हैं वो ज़्यादा जल्दी फास्ट ड्राई हो जाते हैं और अच्छे से ड्राई हो जाते हैं। और इसका दूसरा फीचर है एडिशनल इको टब क्लीन, जैसे मैंने आपको बताया था ये इको टब क्लीन फीचर है जो आपके टब को क्लीन रखता है विदाउट केमिकल्स एंड नोटिफाइज यू एट द राइट टाइम। तो अब मैं इस मशीन को आपको ऑपरेट करके भी बताऊंगी कि चलती कैसी है।
तो यहाँ पे मैंने कुछ कपड़े डाल दिए हैं, जैसे जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो डिटर्जेंट है, तो यहाँ पे मैंने खोल के इसमें डिटर्जेंट डाल दिया है। तो अब इसे बंद कर देंगे और मैं इसे ऑपरेट करूँगी। तो मैंने यहाँ पे ये लगा दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इनलेट का पाइप लगा हुआ है, तो इस तरह से आपको लगाना पड़ेगा। तो जैसे आप मशीन ख़रीदोगे उसके दो दिन बाद, मतलब 48 आवर्स बाद, उनके टेक्नीशियन आते हैं, सैमसंग के टेक्नीशियन आते हैं, और वो आपको सभी जो भी है इसका पाइप वाइप लगा के दे देते हैं। बिल्कुल आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं पावर को ऑन कर देती हूँ, और यहाँ पे आप पावर देख सकते हो, इसको आपको ऑन करना है। आप देख सकते हो ये डिस्प्ले ऑन हो गया है। तो यहाँ पे कुछ फंक्शंस मैं आपको बता देती हूँ, जैसे वॉश है, रिंस है, स्पिन है। तो आपको आप ऐसे अगर सिर्फ आपको वॉश करना है तो वॉश, रिंस करना है तो सिर्फ रिंस, और स्पिन करना है तो सिर्फ स्पिन का ऑप्शन है। और कुछ वो ऐसे ऑप्शन सिलेक्ट करके आपको स्टार्ट कर देना है। तो यहाँ पे तो मुझे तीनों करने हैं, तो यहाँ पे तीनों सिलेक्ट हो गया है। अगर मॉनसून है, आपको ज़्यादा कपड़े सूखे चाहिए, तो वो भी आपको ऑप्शन अवेलेबल है, मॉनसून ऑप्शन आप देख सकते हो। 15 मिनट के लिए ज़्यादा आप सुखा सकते हो कपड़े, 30 मिनट के लिए भी ज़्यादा सुखा सकते हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा सूख के बाहर निकलेंगे आपके कपड़े, सुखाने में प्रॉब्लम नहीं होगी मॉनसून में, ठीक है। वाटर लेवल आप देख सकते हो यहाँ पे, जैसे वैसे तो ये मशीन जो है आपके कपड़ों के वेट के ऊपर वाटर अपने आप डिसाइड कर लेती है, लेकिन फिर भी अगर आपको चाहिए तो मैनुअली आप इसे सिलेक्ट कर सकते हो इस तरह से। और यहाँ पे कुछ मोड्स दिए हुए हैं, साइकिल यहाँ पे नॉर्मल है, देखिए जैसे मैंने ऑन किया वो नॉर्मल में आ गया। तो साइकिल आप यहाँ से चेंज कर सकते हो अगर आपको नॉर्मल नहीं चाहिए। तो क्विक वॉश आप देख सकते हो यहाँ पे, टाइमिंग आपका 31 हो गया यहाँ पे, 31 मिनट्स। फिर से मैं चेंज करती हूँ, डेलिकेट्स में जाती हूँ तो 38 मिनट्स। सोक प्लस नॉर्मल क्या होता है, जैसे आप मैनुअली हाथ से कपड़े धोते हो तो आप पहले उसको भिगोते हो फिर उसको धोते हो, राइट। तो वैसे ही ये काम करेगा आपका मशीन ऑटोमेटिकली, सोक प्लस नॉर्मल। मैं चेंज करती हूँ साइकिल को, देखिए 74 मिनट्स यहाँ पे ले रहा है। ब्लैंकेट, अगर आपको ब्लैंकेट धोनी है तो आप देखिए ब्लैंकेट में सिलेक्ट करके आप आसानी से आपकी ब्लैंकेट घर में जो रहेगी वो आप धो सकते हो, वरना ब्लैंकेट धोने में बहुत परेशानी होती है आमतौर पे। टब, इको टब क्लीन जो मैंने आपको बताया ऑप्शन, देखो 93 मिनट्स यहाँ पे ले रहा है। इको टब क्लीन, अपने आप आपका जो टब है वो क्लीन हो जाएगा इससे। तो नॉर्मली जो मैं कपड़े धोती हूँ रोज़ के, तो मैं इसमें साइकिल को नॉर्मली रखूँगी। और यहाँ पे मैं आपको चाइल्ड लॉक का फीचर बता देती हूँ। तो ये देखिए फंक्शन और मॉनसून जो है, ये 3 सेकंड तक अगर आप प्रेस करोगे तो आपका जो मशीन है वो चाइल्ड लॉक हो जाएगा। देखिए बहुत ही बढ़िया फीचर है, बिल्कुल भी आपको बच्चों से भी आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो ऑपरेट नहीं कर पाएंगे अगर आप चाइल्ड लॉक का लगा देते हो। फिर से मुझे अगर चाइल्ड लॉक हटाना है तो मैंने फंक्शन और मॉनसून को 3 सेकंड के लिए प्रेस किया और ये चाइल्ड लॉक आपका हट गया इधर से। इस मॉडल की मशीन में, बिल्कुल सैमसंग के मशीन में बिल्कुल भी ऑपरेशन का प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है, सब आपके सामने हैं, सब फीचर्स आपके सामने हैं, बिल्कुल एक बटन के साथ आपका सब सेट हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने नॉर्मल कर दिया है यहाँ पे 43 मिनट्स तक, और यहाँ पे मैं इसे स्टार्ट कर दूँगी। और यहाँ पे मैंने पानी भी ऑन कर दिया, आप देख सकते हो पानी भी ऑन कर दिया है, तो बिल्कुल वो डिटर्जेंट के साथ, डिटर्जेंट को ले के पानी बाहर निकला है और ये टब भरेगा। तो मैं आपको बिल्कुल इसकी पूरी जो वॉश की जो प्रोसीजर है मैं सब आपके साथ शेयर करूँगी। इसमें आप ऊपर से भी कपड़े ऐड कर सकते हो, तो आप देख सकते हो जैसे मेरी मशीन चालू है, लेकिन मुझे अगर कपड़े ऐड करना है इसमें, कुछ मैं भूल गई हूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पे पॉज का बटन है, तो आप पॉज प्रेस कर दीजिए तो मशीन पॉज हो गई है। अब मैं इसे ओपन करके इसमें कपड़े डाल दूँगी और फिर से इसे स्टार्ट कर दूंगी। ये जो मशीन है इसका ऑनलाइन प्राइस फ्लिपकार्ट में है 21,000 के आसपास है, लेकिन इसमें डिस्काउंट मिलेगा आपको जो 18,800 के आसपास आएगा आपको। तो ये कम रेंज में सभी फीचर्स के साथ अवेलेबल वॉशिंग मशीन आपको मिलेगी। तो देखिए वॉशिंग मशीन ने यहाँ पे अपना काम स्टार्ट कर दिया है, और जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो वॉश ब्लिंक हो रहा है, मतलब ये वॉश हो रहा है। जब ये रिंस होगा तो यहाँ पे ब्लिंक करेगा, और जब ये स्पिन होगा तो यहाँ पे ब्लिंक करेगा।
तो मैं आपको बता दूंगी। तो आप देख सकते हो ऑटोमेटिकली मशीन ने यहाँ पे पानी बंद कर दिया है, पानी जो यहाँ पे फ्लो हो रहा था वो बंद कर दिया है, क्योंकि अब इसका जो लेवल सिलेक्ट जो मैंने किया था वो लेवल तक पहुँच चुका है, तो पानी ये बंद कर दिया है ऑटोमेटिकली। जब चाहिए रहेगा तो ऑटोमेटिकली ये पानी ले शुरू हो जाएगा यहाँ से, तो आपको नल इसका ऑन ही रखना पड़ेगा। पे आप देख सकते हो कि 6 मिनट्स बाकी है और ये स्पिन होना शुरू हो गया, और कितना ज़ोर से स्पिन होता है, और मशीन में ऐसी कोई ज़्यादा हिलती भी नहीं है, मशीन बहुत स्मूथ होता है। ये देखिए, आप देख सकते हैं, देखिए आप इसका स्पिन का स्पीड देख सकते हैं, लेकिन मशीन बिल्कुल सीधी खड़ी है, ये बिल्कुल भी नहीं हिल रही है। तो इसका स्पीड मैंने बताया था जैसे 680 रोटेशन पर मिनट इसका स्पीड है स्पिनिंग का, तो आप देख सकते हैं। देखिए अभी स्टॉप हो चुका है और आप सुन सकते हैं आवाज़ को, अगर आपका ध्यान नहीं भी होगा तो आपका ध्यान आ जाएगा इस पे, आवाज़ सुन के आपको पता चल जाएगा कि कपड़े बिल्कुल तैयार है, धुल चुके हैं, अभी आपको इसे सुखाना है। तो अब मैं इसे पावर ऑफ़ कर दूंगी इसका, और मैं स्विच भी इसको ऑफ़ कर दूंगी, और देखिए कपड़े बिल्कुल धुल के रेडी है। तो ये कम प्राइस में एक बहुत ही बढ़िया पैकेज है, बहुत ही बढ़िया मशीन है, मुझे सबसे अच्छी मशीन लगी है ये कम प्राइस में। और आप इसका मैंने फीचर जैसे बताया था कि ये एक दूसरे के साथ उलझते नहीं हैं, तो देखिए कपड़े एक दूसरे के साथ उलझते नहीं हैं, आसानी से निकल आते हैं एक एक सिंगल सिंगल कपड़े आपके। तो अगर आपको मेरी ये मशीन जो है वो पसंद आई है, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके परचेज़ कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी ये वीडियो भी पसंद आई, यूज़फुल लगे, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूले, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जो ठीक नीचे है रेड बटन, सब्सक्राइब करने के बाद उसके बाद जो मैं बेल आइकन होता है वो भी प्रेस कर लीजिए, ताकि सारी अपडेट्स मेरी जो वीडियो की है नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले जो है वीडियो में, तब तक के लिए आपको तो पता ही है, चलिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड कीप स्माइलिंग, और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूले इस वीडियो को।